स्वागतम मेरे लिए ये बहुत खुशी का अवसर है, गर्व का विषय है कि यहाँ कटक आना हुआ, आप सबसे मिलना हुआ। और कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव का समय है, तो आपके मन में ये सोच होगा कि अगर चुनाव हो रहा है तो विदेश मंत्री आपके सामने क्यों खड़ा है। और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में विदेश नीति और भारत की पहचान दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और जब आप वो पोलिंग बूथ जाकर बटन दबाएंगे ना, उसका परिणाम, उसका प्रभाव जो है खाली संसद या विधानसभा पे नहीं पड़ेगा, खाली देश पे नहीं होगा, पूरे दुनिया में होगा। और अगर आप मेरी बात गौर के सुनेंगे तो ये आप खुद जानेंगे कि आज जो आने वाले दिन जो हैं, जो आप निर्णय लेंगे, इसका महत्व क्या है। मुझे बताया गया आज का टॉपिक है कि विश्व बंधु भारत। तो विश्व बंधु है क्या, जो व्हाट इज विश्व बंधु? विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसकी दुनिया में रेलेवेंस होती है, कि बाकी दुनिया जानती है, पहचानती है कि इस देश का योगदान जो है, इस देश के बिना दुनिया में कुछ कमी होगी, दुनिया चल नहीं पाएगी। और विश्व बंधु जो है एक सकारात्मक, किसी देश के बारे में दुनिया की एक सकारात्मक सोच है कि उनको लगता है कि इस देश से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये देश जो है अपनी ओर से जो भी कुछ कर पाएगा वो जरूर करेगा। उस देश की एक किस्म से एक्सेप्टेबिलिटी है कि दुनिया मानती है कि ये देश जो है कि संकट में या आमतौर पे भी हर समय आगे बढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, इसकी योगदान जरूर होगी। और विश्व बंधु उस देश को कहते हैं जिसके दुनिया में पूरे जो भी रिश्ते हैं सब दोस्ती के रिश्ते हैं, जहां उनके खिलाफ जो उनकी समस्या दुनिया में कम है, प्रॉब्लम्स कम है, तो ओवरऑल जिस जो कहते हैं मैक्सिमम फ्रेंड्स मिनिमम प्रॉब्लम्स, वो विश्व बंधु होता है। अब विश्व बंधु अपने आप तो बनते नहीं है कि, क्योंकि विश्व बंधु यू हैव टू बी बोथ लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड। तो आप
आज के भारत के बारे में एक मिनट के लिए सोच लीजिए. टुडे इफ यू आर लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड, कारण क्या है? तो पहले है व्हाट इज विश्व बंधु. तो मैं आता हूं व्हाई इज बीइंग विश्व बंधु इंपॉर्टेंट. क्योंकि व्हेन अ कंट्री इज विश्व बंधु, व्हेन इट इज लाइक्ड, उस देश को ये जरूर ये अवसर मिलता है कि दुनिया में जो भी संभावनाएं हैं, कि रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, दुनिया जो है विश्व बंधु के साथ शेयर करने के लिए तैयार है. तो जो जिस देश की ये छवि बन जाती है ना कि वो विश्व बंधु है, उसको दुनिया जो है उस पर भरोसा करती है, उसको ट्रस्ट करती है और उसके साथ दुनिया जो है काम करने के लिए तैयार है. अब आपको लगता है कि मैं कोई कुछ विदेश नीति की बात कर रहा हूं, पर अगर आप इसको जमीन में उतारेंगे तो ये ऐसा देश होगा और ये ऐसा देश है आज, जहां दुनिया चाहती है कि हम यहां इन्वेस्ट करें, हम इनके साथ जॉइंट वेंचर बनाएं, हम इनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हम इनको दुनिया की सप्लाई चेन में जोड़ें. तो ये अगर इसको सब आप मिला के देखेंगे, इसका टोटल इम्पैक्ट ये होगा कि जो देश विश्व बंधु माना जाता है, वो देश जो है आज की दुनिया में जहां दुनिया और सप्लाई चेन को मल्टीप्लाई करने माने अलग अलग, क्योंकि दुनिया जो है एक सप्लाई चेन पे भरोसा नहीं करना चाहती, और खासकर अगर वो ही पूरी दुनिया की निर्भरता एक देश पे हो तो वो दुनिया जो है वो परेशान है. तो दुनिया सोचती है कि हमें अलग अलग जगह में प्रोडक्शन करना चाहिए. तो सप्लाई चेन कैसे बनाएं, भारत को इसमें कैसे जोड़ें, और जो डिजिटल दुनिया में जिसको जिस पर जिसका ट्रस्ट हो, जिसकी ईमानदारी की छवि हो, तो उस देश को एक बार वो विश्व बंधु बन जाता है तो दुनिया जो है उसके साथ काम करने के लिए और तैयार है. और आज अगर आप देख रहे हैं कि भारत में FDI की इनफ्लो जो है रिकॉर्ड लेवल पर है, कि अलग अलग देश अलग अलग कंपनियां आ रही हैं. आज एप्पल जैसे कंपनी जो सालों से भारत से दूर रहती थी, अगर आज सेमीकंडक्टर की कंपनी, आप जानते हैं कि करीब 15 साल पहले ये कंपनी, इन्होंने कोशिश की थी भारत आने में, यहां उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला, किसी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की महत्व किसी को पहचान नहीं थी उस समय, या हमारी हो सकता कि सिस्टम में इंटरेस्ट भी नहीं था उस समय. तो आज जो आप देख रहे कि दुनिया भारत के साथ कैसे जुड़ना चाहती है, ये है एक किस्म से विश्व बंधु का असर दुनिया पर और हमारे राष्ट्र हितों पर. अब जो राष्ट्र विश्व बंधु देश जो है, ये दुनिया के साथ उसका एक एडवांटेज और भी है कि जिस दुनिया में अस्थिरता है, जहां तनाव है, जहां विवाद है, जहां कभी कभी युद्ध भी हो सकता है, इसमें दूसरों के साथ साझेदारी की, जो कहते हैं मेकिंग कॉमन कॉज, दूसरों के साथ कैसे मिलजुल के काम करें, तो आज ये भारत, क्योंकि भारत की यह पहचान बन चुकी है, आप ये देख सकते हैं कि दुनिया की सुरक्षा और खुद अपनी राष्ट्र सुरक्षा के लिए आज हमारे पार्टनर्स इतने सारे देश हैं कि हम अमेरिका और यूरोप के साथ भी जुड़ सकते हैं, हम रशिया या जो अफ्रीकन देश या खाड़ी में जो देश जो है, या इसराइल, हम इसराइल के भी साथ काम कर सकते हैं, हम खाड़ी में अरब देश के साथ भी काम कर सकते हैं. तो जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ आप, हो सकता कि उनके आपस में विवाद हो, उनकी आपस में तनाव भी हो, कि वो उनकी अपने हितों की कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती, पर जो देश जो है अलग अलग देशों के साथ अलग अलग विषयों पर, अलग मुद्दों पर अपनी पार्टनरशिप स्थापित कर सकता है और अपने राष्ट्र हितों को आगे ले जा सकता है, इसीलिए विश्व बंधु होना. क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा, एक किस्म से आप सोचिए कि विश्व बंधु जो है
ये सबका साथ सबका विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि सबको कैसे साथ ले जाए और सबका प्रयास कैसे हो और सबका विश्वास कैसे जीत। तो जो हम देश के अंदर बात करते हैं, यही राजनीति जब कूटनीति बन जाती है देश के बाहर, कि सबको मिलजुल के कैसे ले जाना है, इसमें हमारा बहुत भला है। और जैसे मैंने कहा, हम देश की बात करते हैं पर हर देश जो है उस स्तर पे देश की छवि जो है देश की नेता की छवि होती है। तो जब दुनिया आज कहती है विश्व बंधु, वो देश भी है व्यक्ति भी है, और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब कूटनीति के लिए तो ये तो अनुकूल है कि जितने लोगों के जितने देशों के साथ हम काम कर सकते हैं वो तो इसमें एडवांटेज फायदा तो है, पर मैं एक बात आपके सामने आज रखना चाहूंगा। अब आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार की रिकॉर्ड जो है, क्योंकि 2014 में जो भारत के पब्लिक ने भारत के मतदाताओं ने जो निर्णय लिया वो उम्मीद का निर्णय था, 19 में ये निर्णय जो है 5 साल बहुत परिश्रम के बाद रिकॉर्ड एक बार स्थापित हो गया, तो ये उम्मीद जो है ये भरोसा का निर्णय था। इस बार आप लोग ये भी जानते हैं कि ये गारंटी का निर्णय होगा, और जो मोदी जी कहते हैं उनकी गारंटी की गारंटी भी है। तो ये जो है ये गारंटी का निर्णय होगा, पर ये 10 साल जो है इसको आप उस परिप्रेक्ष्य से देखिए कि हमने एक किस्म से देश के लिए एक नई मजबूत फाउंडेशन बुनियाद खड़ी की है, और उस बुनियाद पे उसके आधार पे अगले 25 साल की यात्रा जो कहते हैं अमृत काल की यात्रा जो है, कि विकसित भारत के लक्ष्य में जो यात्रा जो होगी, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि विश्व बंधु जो है विकसित भारत की यात्रा के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है, कि हमें इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में अगर आगे जाना है, भारत को विकसित बनाना है, हमें अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो हमें दुनिया के साथ जो साझेदारी जो होगी उसका जो उपयोग जो होगा उसका जो लाभ जो होगा, जब तक हम दुनिया के साथ काम कर पाएंगे ये यात्रा हम इसकी सफलता जो है इस पे हम और आश्वस्त रह सकते हैं। तो ये कैसे होगा विकसित भारत और विश्व बंधु का क्या कनेक्शन? एक तो है कि आज जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, अब बढ़ने के बहुत तरीके हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, हमारे उत्पादन अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती है, हमारी एजुकेशन हमारी हेल्थ हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ते, पर आज के दुनिया में ये संभावना है कि अगर जो नई इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं, जैसे मैंने कहा चिप्स सेमीकंडक्टर, या जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ड्रोन्स या स्पेस, जो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, और डिजिटल के डिजिटल माध्यम का अगर हम उपयोग करें, तो हमें जो है आगे तरक्की जो करने की जो जो स्पीड और स्किल और जो जो इम्पैक्ट जो है वो बढ़ सकती है। अब एक तो है कि देश में हम विकसित भारत को कैसे जल्दी बनाएं, वो एक विषय है, पर आप देश की सीमा के बाहर भी थोड़ा सोचें। ग्लोबलाइज्ड दुनिया तो है, पर वर्क प्लेस रोजगारी, आज रोजगारी भी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। तो जब हम सोचते हैं कि दुनिया के बारे में,
दुनिया जरूर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर टूरिज्म के लिए जाते हैं, पर आज जो है क्योंकि अवसर ज्यादा हैं और दुनिया में लेबर की कहीं ना कहीं कमी भी है अलग अलग देशों में, ये भी अवसर है हमारे सामने कि दुनिया को एक कैसे ग्लोबल वर्क प्लेस बनाए और उसका लाभ हम अपने नागरिकों को कैसे दिलवाएं। अब वर्क प्लेस तो है, पर एक परिवर्तन और भी है दुनिया में कि अलग अलग देश जो हैं, जब हम कहते हैं कि जुड़ना चाहते हैं, एक तो आर्थिक दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं, पर आज कनेक्टिविटी भी है, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि भारत में विभाजन के कारण एक साइड पे पाकिस्तान बना, दूसरे साइड में उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश बना, तो हमारी जो पुरानी कनेक्टिविटी थी और स्वतंत्रता के बाद जो कनेक्टिविटी हमें बनानी चाहिए थी, हम लोग जो हैं यहाँ कम पड़ गए। तो आज जो है फिर से कनेक्टिविटी स्थापित कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने। और अगर आप, मैं तीन उदाहरण आपको देता हूं, अभी जो है कनेक्टिविटी के दुनिया में तीन बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है कि भारत से यूरोप जो है खाड़ी से कैसे रास्ते निकालें, भारत से समुंदर पार करके यूएई होते, सऊदी अरेबिया होते, यूरोप कैसे पहुंचे, इसको आईमेक, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। एक कनेक्टिविटी है कि ईरान और रूस के थ्रू, इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। और एक पूर्व की तरफ कि ओडिशा के कोस्ट लाइन से नॉर्थ ईस्ट के सीमा से हम वियतनाम और इंडो पैसिफिक की तरफ कैसे जाएं। अब जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी होता क्या है कि देशों को मिलजुल कर इस पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, और वो तभी करेंगे। आप बिजनेस जैसे सोचिए इसको कि अगर आप चार लोग जो हैं मिलजुल कर कुछ करना चाहते हैं, आपस में भरोसा तो होना चाहिए ना, कि नहीं तो आपकी पार्टनरशिप कैसे जाएगी आगे। तो जो देश जो है, जो विश्व बंधु के नाम पे उसकी छवि ऐसी होती है, ऐसे देश जो हैं, इसीलिए अगर आप देखें आज सऊदी अरेबिया भी हमसे काम करना चाहता है, ईरान भी पार्टनर होना चाहता है, रशिया भी होना चाहता है, यूरोप भी होना चाहते हैं, पूर्व में सिंगापुर भी होना चाहता है, वियतनाम भी होना चाहता है। तो ये जो है, एक बार देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगारी बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, हमारे लिए अवसर हो दुनिया में कि हमारे नागरिक जो हैं अगर कहीं काम करने का या बिजनेस चलाने का अवसर हो तो हम इसका पूरा लाभ कैसे लें। अब एक विषय और है जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, और ये है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे लोग पहले जा चुके हैं, हमें सालों से इन इन जगह की परिचय है, और हमारी आज आबादी भी वहां काफी ज्यादा है। और मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको, आपका ध्यान जो है मैं खाड़ी की तरफ ले जाता हूं। आज जो है खाड़ी वहां के देशों में भारत के करीब करीब आबादी जो है 90 लाख की है, और उसमें ओडिशा के भी बहुत नागरिक हैं। अब जब हमारी पहचान ये होती है कि हम दुनिया के दोस्त हैं, कि हम बंधु हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, ये एक सकारात्मक छवि जब बन जाए, तो आप देखिए कि बाहर जो हमारे लोगों की ट्रीटमेंट जो होती है ना, उनके साथ जो व्यवहार होता है, जो देश की जो छवि जो बनती है बाहर जाकर, उनके लिए एक किस्म से कंफर्ट या रेस्पेक्ट बन जाती है। और ये मैं आपको कह सकता हूं कि जब ये महामारी के समय में, कोविड के समय में, आप जानते हैं कि उस समय बहुत देशों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, खाली दरवाजे नहीं बंद किए, कुछ लोगों ने जो वहां जो बाहर के लोग रहते थे उनको कह दिया कि भाई आप बंद करके घर चले जाओ। हमारे देशवासी जो थे खाड़ी में, उनका ऐसे लोगों ने देखभाल किया, उनको जब कोविड की वैक्सीनेशन लेनी थी
या जहां नौकरी भी माने उस समय सबकी दुकानें बंद हो गई, उन बहुत लोगों को उस समय उतनी राहत मिली कि सबसे कम प्रभाव जो था वो हमारे लोगों पर था। और उसका कारण था कि खाड़ी में हर जो वहाँ जो उनके राजा जो हैं, सबको लगा कि ये जो हैं ये मोदी जी के लोग हैं, इनके साथ हमारा व्यवहार कुछ और होना चाहिए। और इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि जो विदेश नीति की तो हम बात करते हैं, पर अंत में हर नागरिक को कहीं ना कहीं विदेश नीति का प्रभाव उनके जिंदगी में दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे मेरे से कि विश्वबंधु की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको बनना चाहिए, ये हमारी इमेज होनी चाहिए, तो हम बने कैसे? क्योंकि हर देश तो विश्वबंधु नहीं बन सकता। हम खुद जो हैं 10 साल पहले 20 साल पहले हमारी पहचान कुछ और थी। जो आज जो हमें जो रिस्पेक्ट इज्जत जो मिलती है, जो हमारी कदर जो करते हैं, 10 साल पहले तो नहीं करते थे। तो बदला था। तो मैं आपको 4-5 कारण दूंगा, इसके बारे में आप लोग भी सोच लीजिए। एक कि दुनिया उस देश की कदर करती है जिस देश की क्षमता होती है। तो जब हम भारत की प्रगति, जब देश के अंदर कहते हैं कि डेवलपमेंट हो, आप ये भी जानिए देश के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसका असर पूरे दुनिया में होता है। जब लोग कहते हैं कि अगर आज भारत का प्रधानमंत्री या भारत का विदेश मंत्री दुनिया में जाकर इतने आत्मविश्वास के साथ बात रखते हैं, इसका कारण ये है कि देश बदल चुका है, जो हमारे जो यहाँ उपलब्धियां जो हैं तो हमारे साहस का कारण आप लोग ये भी पहचानिए। और इसी जो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि आपके निर्णय से सरकारें बनेगी, राज्य सरकार बनेगी, केंद्र सरकार बनेगी, जो सरकार बनेगी उसकी नीति होगी, जो नीति जमीन में उतारा जाएगा वो देश की क्षमता होगी, जो देश की क्षमता होगी वो विदेश नीति के लिए ताकत होगी, और जो विदेश नीति सफल होगी दुनिया में वो देश की इमेज बनाती। तो बटन जो आप दबाएंगे ना, आप शुरू कर रहे हैं कुछ बूथ के अंदर, मैं जो है इसका पूरा रिएक्शन मैं दुनिया में देख रहा हूं कि ये करंट कैसे जाता है, और इस करंट का लाभ मुझे रोज दिखाई देता है दुनिया में। अब जो क्षमता की बात करते हैं, क्या क्षमता क्या होती? एक तो है आर्थिक क्षमता। अब आप ये जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश जो हैं, और हम लोग भी बहुत एक कठिन समय से गुजरे जब महामारी आई थी। ऐसा नहीं होगा कि एक भी व्यक्ति हो इस कमरे में या पूरे देश में जिसको कहीं ना कहीं कोविड का असर उनके खुद या परिवार में उन्होंने देखा नहीं हो। पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज जो है भारत न खाली कोविड से निकला है, पर जो कोविड के पहले जो हमारी जो इकोनॉमिक पीक जो प्रगति जो हो रही थी, ग्रोथ जो हो रही थी, हम वो ग्रोथ को हम वापस ले पाए। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमी जो है, भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये 7% जो है आज इस साल जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ जो होगी 7% की, हमें पूरा विश्वास है कि अगर अच्छी बहुमत मिले, सरकार जो है जो चेंज जो परिवर्तन जो और लाना चाहती है और ला सकेगी,
तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 7% 8% 9% भी हो सकता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये अपने आप नहीं होता। 10 साल पहले हमारी छवि, आज हम विश्व बंधु की बात करें, हमारी छवि क्या थी? हमारी छवि थी फ्रेजाइल साइट, कि हम 5 ऐसे देशों में थे जो लुढ़कने के संभावना, हमारे बारे में चिंता प्रकट की जाती कि भाई पता नहीं इनका क्या होगा। कि जो फ्रेजाइल साइट में थे, जिनके बारे में चिंता किया जाता, आज हम जो हैं टॉप 5 में हैं। और IMF कहती है कि अगले 2 दशक में अगर दुनिया में कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो वो भारत में उसका बहुत बड़ा भाग। अब हम खाली ग्रोथ की बात ना करें, क्योंकि ग्रोथ हकीकत में क्या होता है। आज आप देख रहे हैं कि फूड हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम लोग इसका अनुभव कर रहे हैं, अपने शहर में कर रहे हैं, अपने सड़क में कर रहे हैं, अपने इलाके में कर रहे हैं, अपने राज्य में कर रहे हैं। कि आज अगर आप देखें कि वही देश जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई अच्छे लोग हैं पर इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बेकार है, वहां कौन जाएगा, वही देश जो है आज हर साल 8 नए एयरपोर्ट बना रहा है, हर रोज 28 किलोमीटर हाईवे बना रहा है, हर दिन 14 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक लगा रहे हैं। कि आज अगर आप, क्योंकि मुझे पता है यहाँ कॉलेजेस की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में देश में 7,000 नए कॉलेजेस खुले, जिसका मतलब है कि हर दिन 2 नए कॉलेज खुले। तो आप सोचिए इसका इंपैक्ट। और सबसे ज्यादा हम लोग एक समय में दुनिया से माल जो है मंगाते थे, हमारी छवि थी कि अच्छे लोग हैं, ये हमारे कस्टमर हैं, ये हमसे लेते जाएंगे माल। उस समय इंपोर्ट इन इंडिया हमारी छवि थी, आज है मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया, एक बार अगर हम मेक इन इंडिया शुरू करें ना, एक जैसे क्षेत्र है जहां बहुत कठिन है एक्सपोर्ट करना, मार्केट में जाना, डिफेंस में, हम सालों से कुछ भी डिफेंस जो चीज थी हम दुनिया से इंपोर्ट करते थे। एक बार मेक इन इंडिया शुरू हो गया, आप देखिए कुछ ही साल में, इस साल जो है हम 20,000 करोड़ से ज्यादा हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि आज मेक इन इंडिया डिफेंस जो है हम दुनिया को बेच। एक बार हम, और मैं इसके बहुत उदाहरण दे सकता हूं आपको। तो एक तो है कि आर्थिक प्रगति उन्नति जो जितनी ग्रोथ हो, 7-8% ग्रोथ हो तो हमारी क्षमता बढ़ती। उसके अलावा हमारे रिसोर्सेस, और सबसे बड़े रिसोर्सेस हमारे जो हैं आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में मैं एक चीज आपके सामने रखूंगा। आप लोगों, सब लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने बहुत सारे योजनाएं और अभियान चलाए, सब लोग परिचित, आप परिचित हैं, ये पोषण से शुरू होता है, उसके बाद आप हेल्थ में आए, आरोग्य योजना में आए, या अन्य योजना जो राशन मिलता है लोगों को, बिजली सौभाग्य या जल जीवन, जो आपके घर घर में नल का पानी आता है, या आप कह सकते हैं किचन में जाए तो लकड़ी के बजाय गैस सिलेंडर है उज्ज्वला के कारण, या आप घर की बात करें आवास योजना। और इनके आंकड़े मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं कि इनके आंकड़े किस स्केल पे ये किया जाए, तो आप सब जानते हैं। पर एक चीज मैं आपको से मेरी रिक्वेस्ट है, ये कहते हैं ना ये सब डॉट्स हैं, इस सब को आप कनेक्ट करिए,
और आप ये देखिए, जब से इस देश में कोई पैदा होता, पैदा होने से पहले भी, आज की सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वहां से प्री बर्थ से लेके पेंशन तक कहीं ना कहीं हर जगह सपोर्ट और इंटरवेंशन के कारण हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी जो है, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला है कि आज का नागरिक जो है, जब शुरू से उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होती है, घर में पानी आता है, बिजली आता है, पक्का घर है, गांव में सड़क है, शहर में जो पहले जो फैसिलिटीज नहीं होती थी, आज ऑप्टिकल फाइबर केबल है, डेटा की कीमत आप जानते हैं जो, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, जैसे अब मेरे खुद डिपार्टमेंट में जो पासपोर्ट की सेवा जो हम करते हैं, कितना कितना फर्क है, कितना चेंज हुआ है। तो अगर आप इस सब को मिलाएं ना और देखें कि इसका टोटल इम्पैक्ट जो है आम नागरिक के स्वास्थ्य और उसकी क्षमता पे क्या असर होता है, तो आप देख सकते हैं कि आज की ह्यूमन रिसोर्सेज जो है भारत की, इसकी क्वालिटी दिन बर दिन जो है ये इम्प्रूव हो रही है। और इसकी जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि अगर भारत को विकसित बनना है, अगर हम जो है सचमुच दुनिया में एक लीडिंग नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें जो है ये नई टेक्नोलॉजीज और नई मैन्युफैक्चरिंग और ये नई चुनौतियों का उनकी तैयारी करनी होगी। और इसीलिए जो, क्योंकि ये कभी कभी ये घटनाएं होती, आपको लगता है चलिए मैंने कुछ पढ़ा, पर इसका महत्व आप पहचानिए कि जब आज फोन में आप सब देखते हैं कि आप आज का 5G जो है ये मेक इन इंडिया 5G, ये गर्व का विषय, क्योंकि आपका 4G जो था वो मेड इन चाइना, आपका 3G मेड इन चाइना, आपका 2G मेड इन यूरोप था, पर आपका 5G जो है ये मेड इन इंडिया। महामारी के समय में हम लोगों पर बहुत दबाव था कि हम बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट करें, इसे एक लॉबी थी, और इस लॉबी ने हमारे खुद अपनी वैक्सीन की इतनी बुराई की, उनकी कोशिश थी कि पब्लिक जो है हमारे मेड इन इंडिया और इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा न करें। पर अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं आज भी आप क्यू में खड़े रहते, आपका नंबर नहीं आता, हम वैक्सीनेशन कैसे करता, क्योंकि हमने मेड इन इंडिया पे भरोसा किया। मैं डिफेंस की मैंने बात की, आप जानते हैं कि सालों से हमारे यहां हमने एक प्लेन बनाया तेजस LCA, सालों से बना, पर जब तक भारत का प्रधानमंत्री ना प्लेन में बैठ के खुद नहीं गया, तब तक उस प्लेन की पहचान नहीं बनी। और इसके लिए खाली मोदी जी की हिम्मत थी कि वो फाइटर, मान के चली, मैंने भी नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं है फाइटर प्लेन में बैठ के चढ़ने की, कि फाइटर प्लेन में जब भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता तो वो एक किस्म से विश्वास का प्रकट कि हम जो है अपनी चीजों पे भरोसा करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जाता है तो हर पायलट को लगता है कि भाई आज देखिए हम, हमारी क्षमता में है ये, हम ऐसी चीजें बना सकते हैं। और एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाता तो ऐसे ही देश आगे बढ़ते रहते। तो ये आज मैं कहूंगा आपको कि आत्मविश्वास में जो फर्क जो आया है, ये सबसे बड़ी चीज है। और अभी तक मैंने आर्थिक, टेक्नोलॉजी, थोड़ी बहुत राजनीति, जो हमारे जो योजनाएं का जो इम्पैक्ट जो है उसकी बात की, पर मैं ओडिशा में हूँ और ओडिशा की संस्कृति, विरासत, परंपरा मशहूर है,
रथारी जी ने खुद कहा कि मोदी जी के सामने G20 के समय में बहुत विकल्प थे, उन्होंने कोणार्क चक्र चुना। अब चुना क्योंकि उनको लगा कि दुनिया के सामने अगर भारत की ब्रांडिंग बनानी है तो ये जो है ये सबसे अच्छी सबसे इम्पैक्टफुल ब्रांडिंग है। तो आज अगर हम अस्मिता की बात करते हैं, ये आज का विषय नहीं है, सबके अंदर कहीं ना कहीं पूरे भारत को ओडिशा के बारे में, ओडिशा के बारे में एक मैं कहूँगा एक रेस्पेक्ट है। और आज मैं बात इसीलिए दोहरा रहा क्योंकि जब हम दुनिया के सामने अपनी छवि बना रहे हैं, अपनी इमेज रख रहे हैं, अपनी ब्रांड एक किस्म से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम जो हैं 5,000 साल की सिविलाइजेशन पर कोई भी देश, कोई भी जनता जो है, जब तक खुद अपने इतिहास और अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं लेता, वो दूसरों को इस पे कैसे मनाए, कैसे समझाए, कैसे बताए। तो जैसे कहते हैं हु वी आर इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इफ यू वॉन्ट टू नो हु वी विल बी, बिकॉज जिसका जब भविष्य की बात करते हैं, यू कैन नॉट थिंक ऑफ फ्यूचर विदाउट नोइंग योर हिस्ट्री। यू कैन नॉट बी प्राउड ऑफ वॉट यू विल बी इफ यू आर नॉट प्राउड ऑफ वॉट यू आर। तो टूडे देर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। विदिन द वर्ल्ड देर इज अ बिग कल्चरल डिबेट, बट इफ इंडिया टूडे इज टू प्रेजेंट इट सेल्फ एज ए विश्व बंधु, इंडिया इज ऑल्सो टू प्रेजेंट इट सेल्फ एज ए सिविलाइजेशनल पावर, एंड ए सिविलाइजेशनल पावर विच इज प्राउड ऑफ इट्स हिस्ट्री, विच इज प्राउड ऑफ इट्स ट्रेडिशन, एंड विच इज प्राउड ऑफ इट्स इट्स कल्चर। सो दिस इंडिया टूडे इज केपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द वर्ल्ड। हमने देखा था कि जब श्रीलंका में संकट का समय था तो भारत के कारण श्रीलंका उस संकट से बाहर आए, कि हम लोगों ने जो, क्योंकि बाकी देश और IMF भी उस समय हिचकिचा रहा था, पर हमारे कारण उनको समय में मदद मिली। आज भी आप जानते हैं कि अरेबियन सी में वो तनाव हो रहा है क्योंकि लोग रॉकेट वो मिसाइल ड्रोन फायरिंग हो रही है। हमारे 21 नौसेना के 21 जहाज हैं जिनकी ड्यूटी है वहां, वो पहरेदारी कर रहे हैं वहां, लोगों की तलाशी ले रहे हैं वहां, और उसके कारण अगर स्थिरता है। और एक तो है कि हम हमारी योगदान इसका एक महत्व है, पर लोग उस देश की दुनिया कदर करती है जो सबसे पहले जो है कम से कम अपने नागरिकों की तो सुरक्षा और उनकी देखभाल करती। तो जो हम बाहर जो करते हैं, एक तो है मुझे पता है कि देश में बहुत प्रशंसा होती है कि हम यूक्रेन में लोगों को बचा पाए, सूडान से घर में ले पाए, इसराइल से कुछ लोग आए, और मुझे पता है उसमें कुछ उड़ीसा के बच्चे भी थे, कुछ और भी लोग थे जो रिसर्च या कुछ रोजगारी के लिए गए थे। पर दुनिया भी मानती है कि अगर जब लोग कहते हैं ना कि पासपोर्ट की ताकत, मैं कहता हूं नागरिकता की ताकत, कि जो बाहर जाते हैं सब लोग मोदी की गारंटी से बाहर जाते हैं, और मोदी की गारंटी है कि आप जहां भी हो भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। हम एक सरकार है, एक देश है, हम कभी अपने लोगों को संकट के समय से छोड़ते हैं। और बहुत कम देश आज, विकसित देश भी ऐसा आज कर नहीं पाते, पर हम ऐसे देश भी हैं जो बड़े दुनिया में जो बड़े विषय जो हैं, जो ग्लोबल इश्यूज जो कहते हैं, क्लाइमेट का हो या व्यापार का हो या टेक्नोलॉजी का हो, आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही,
कि हम जो है नियम बनाने में सक्षम हो सकते हैं कि आज एक बार विश्व बंधु की छवि एक बार सेट हो जाए। और इसीलिए मैं उस बात को मैं दोहराता, देश का भार ब्रांडिंग जो है, देश का इमेज जो है, देश की छवि जो है, वो देश में के अंदर जो है, तो हमारे यहाँ प्रगति जो होती है, स्थिरता जो होती है, निर्णय लेने का साहस जो होता है, किस बहुमत से सरकार चल रही है, हर राज्य में कौन सा राज्य सेंटर के साथ उसी लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब जो है ये अलग अलग कारण होते हैं। तो मैं वापस उसी बात पे आता हूँ कि हम सब लोग कुछ ही दिन में अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में बटन दबाएंगे, पर ये बटन जो दबता है इसमें पूरे दुनिया का इंटरेस्ट भी है, इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पर भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का भारत जो है, आज का भारत जरूर दुनिया में अपना पहचान विश्व बंधु के रूप में बनाना चाहेगा, और वो निर्णय आप लोगों के हाथ में है। एक बार और मैं आपको आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सब लोग आए और समय दिया। और